असलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंट ये नोटिफिकेशन निकाला है कि वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर मिस आउट हो गया था किसी ना किसी वजह से, जैसा कि आपको पता है कि बास स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर की वजह से मिस आउट हो गया था कि सर हमें तो मैसेज रिसीव नहीं हुआ। गो के यूनिवर्सिटी ने मेल्स भी की थी और मैसेजेस भी दिए थे, लेकिन बास बच्चे इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाए। और दूसरा ये कि जैसा कि आपको पता है कि हम बाकायदा खुद भी गए थे, वो स्टूडेंट्स जो कि 5 या 10 मिनट लेट हुए थे अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, तो उनको भी पेपर से महरूम कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग अब जैसा कि आपको पता है कि नया साल आ रहा है और स्टूडेंट्स का भी यही रिव्यू था कि जरी सी बात है अब हमारे से इस साल पेपर नहीं लिया जाएगा। हो सकता है जो अब इनका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद सप्ली में वो अपीयर हो सकते हैं। और बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका लास्ट चांस था और वो इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। गो के पंजाब यूनिवर्सिटी का ये फैसला उन स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है कि चलो बच्चों को उन्होंने साल ज़ाया नहीं किया, और वो स्टूडेंट्स जिनका आखिरी साल था उनको उन्होंने दोबारा से जो उन्होंने पेपर्स देने थे उसको भी उन्होंने ज़ाया नहीं होने दिया। और एक और काम इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने दोबारा से फीसिस नहीं कंडक्ट की उसी फीस में, लाइक कि आप उसी फीस में अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटी ने ये फैसला निकालना ही था तो ये पहले भी निकाल सकती थी। कहीं ना कहीं इनकी अपनी यू कैन से के कोताही थी कि अगर इन्होंने बच्चों को बताना था तो ये पहले बता देते। अब आके ये बता रहे हैं जो कि पेपर की भी जो ये डेट दे रहे हैं, आपको पता है कि 6 से 12 दिसंबर की दे रहे हैं, तो तकरीबन हफ्ता रह गया। वो स्टूडेंट जिनका 6 को अगर पेपर होता है तो हफ्ता पहले बता रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी इस चीज़ के अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे साथ मौजूद हैं बाबा इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब। मैं चाह रहा था कि इनसे कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए कि स्टूडेंट्स को अगर इन्होंने बताना ही था और इन्होंने दोबारा पेपर लेने ही थे तो इन्होंने पहले क्यों नहीं जो अपना नोटिफिकेशन था इसको शाया किया, अब ही आगे क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसी तबीयत सेहत? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपने देखा कि अब आके ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो आपको पता है तकरीबन पीछे हफ्ता रह गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 6 को पेपर है, चले 7 या 8 का भी हम कर लेते हैं, तो मोस्टली वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब भी कर रहे हैं। और साथ आपको पता है इंग्लिश का सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी फोकस होकर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का ही शिकार होते हैं। गो के उन्होंने क्वेश्चंस भी याद किए होते हैं लेकिन जब वो पेपर देने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। तो ये तो फिर तकरीबन एक हफ्ता रह गया, लोग तो सालों की तैयारी के बावजूद कन्फ्यूज होते हैं, ये तो हफ्ते के बाद अपने ये पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या इसमें यूनिवर्सिटी की कोताही नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कोताही है। एक तरफ तो मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को मजबूर किया कि वाकई वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर कैंसिल हुआ था, उनका लास्ट चांस था तो उनका तो फ्यूचर तबाह हो रहा था, तो उसके बावजूद उस वक्त भी शायद आपको याद होगा हमने यूनिवर्सिटी जाकर भी एहतजाज किए थे, बच्चों के व्यूज़ भी लिए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा बद दुआएँ भी दे रहे थे। तो बहरहाल ये है कि मैं सलूट करूँगा मतलब यूनिवर्सिटी के जो वाइस वीसी साहब हैं बहुत अच्छे हैं, मैंने उनकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। तो जब उनके पास ये फैसला गया तो लगता है कि उन्होंने जितना भी हुआ बच्चों की फेवर में डिसीजन दिया, मगर डिसीजन तो आ गया है, मगर अगर ये डिसीजन थोड़ा सा पहले आ जाता तो कम अज़ कम बच्चों की तैयारी हो जानी थी। आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर इंग्लिश में, क्योंकि उनको बचपन से ही रटा लगवाया जाता है, उनकी सेल्फ राइटिंग नहीं होती, तो वो शॉर्ट पीरियड में जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी इस तैयारी को कंटिन्यू करना। तो लिहाजा ये है कि उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, कम अज कम 2 हफ्ते तो स्टूडेंट को मिलने चाहिए थे। अच्छा सर, अब आपने देखा कि सुनने में यही है कि 6 से 12 दिसंबर तक पेपर्स जो होंगे उनको कंडक्ट किया जाएगा, अब इतना कम वक्त है और स्टूडेंट्स भी जॉब करते हैं, तो आपके ख्याल से क्या इतने कम वक्त में बच्चा तैयारी कर लेगा? मैं यही तो बात कर रहा था कि चूँकि हमारे बच्चों को शुरू से ही रट्टे की आदत पड़ी होती है और उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते, इसलिए इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत मुश्किल है, कम कम या तो 2 हफ्ते दिए जाते ना तो कुछ ना कुछ तो तैयारी होनी थी। तो बहरहाल ये है कि मैं फिर भी बच्चों के हवाले से, ये तो यूनिवर्सिटी की तो गलती हो गई है, मैं फिर भी अपने बच्चों को कहूँगा वो हिम्मत ना हारें, तो इंशाल्लाह तैयारी के हवाले से ये है कि मोस्टली बच्चे जो लाहौर के हैं वो हमें फिज़िकली भी रब्ता कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आएंगे तो विद इन 3-4-5 डेज में हम उनको तैयारी करवा सकते हैं, मगर उसके लिए ये है कि अगर वो सीरियस हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि तैयारी के हवाले से वो कन्फ्यूज़ हों। बिल्कुल।
अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन बस आपसे ये है कि क्या इस चीज़ में बच्चों को ये कहा जाए कि ये उनके लिए खुशखबरी है, या फिर यहाँ पे स्टूडेंट को मज़ीद कंफ्यूज होना चाहिए कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद अब वो तैयारी का कह रहे हैं कि आप तैयारी करें और उसके बाद आप पेपर दें, तो जो पेपर होगा आपके ख्याल से क्या वो स्ट्रिक्ट दिया जाएगा या फिर वो नॉर्मल स्ट्रेटजीज के ऊपर बिलोंग करेगा? और दूसरी बात ये, क्या ये बच्चों के साथ रहमदिली की गई है या फिर ये इनका साल, मतलब यू कैन से कि साल बचाने के लिए इन्होंने खानापूरी की है? असल में ना यहाँ पर एक मुहावरा टाइप बात चली हुई है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी को दूध देना और दूध में मेंगने डाल देना, जब आप ये करेंगे दूध तो पी ही नहीं सकता, दूध तो दे दिया, अब दूध का क्या फ़ायदा कि जब वो दूसरा बंदा दूध पी ही नहीं सकता। तो वही पोजीशन यही हुई है कि इन्होंने डिसीजन तो दे दिया है, मगर मतलब ये नहीं देखा कि क्या बच्चे जो हैं इतने शॉर्ट पीरियड में तैयारी कर सकते हैं। और मोस्टली बच्चे प्राइवेट सेक्टर में वही होते हैं जो जॉब करने वाले होते हैं। तो खुदारा फैसला करने से पहले सोचा करें, और सोचना चाहिए, जल्दबाजी के फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। बाकी सर, जाते जाते स्टूडेंट्स को आपका आखिरी पे काम जी, मैं अपने बच्चों को फिर भी कहूँगा कि बच्चों आपने हिम्मत नहीं हारनी, घबरानी, फिर भी अभी आपके पास टाइम है और ये हम तकरीबन हलफल बात कर सकते हैं। हमने 3 दिन 4 4 दिन में जिनको तैयारी कराई और बहुत अच्छे रिजल्ट चले हैं, तो इसलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी। हमारी तो कोशिश है कि यूनिवर्सिटी कम अज़ कम आपको 2 हफ्तों का टाइम दे रहे, अगर कम अज़ कम 10 दिन का भी टाइम मिलता है फिर भी आपकी टॉप क्लास तैयारी हो सकती है। आप हमसे रबते में रहें, हम फिर आप को सारी टेक्निक्स बताएंगे इंशाल्लाह कि तैयारी शॉर्ट पीरियड में कैसे हो सकती है। जी बिल्कुल व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा प्रोफेसर तनवीर साहब ने भी यही स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, और आपको भी इसके अकॉर्डिंग हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कम वक्त चाहे सही, लेकिन अगर आप फोकस से तैयारी करें तो आपकी तैयारी हो सकती है। चलें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा भी आपको करना चाहिए कि चलें कोई नहीं, इन्होंने आपका साल ज़ाया नहीं होने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अपनी इंतज़ामिया की भी कोताही थी। लेकिन बहरहाल खुदा बेहतर जाने, तो खुदा है जो कि सब कुछ देख रहा है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, घबराना नहीं है। वो स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं अगर दूसरे शहरों से, या फिर सर के नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।